देख भाई, हम लोग तो बहुत से टाइम पे इम्यूनो के बैठ जाते हैं ना। हर बार का सिचुएशन है कि अपन इम्यून हो जाएंगे सही वाले सिचुएशन में, बट अभी ना मेरे साथ फड्डे हो रहे हैं। फर्स्ट फड्डे तो होंगे तो मैं बोलता हूं गड्ढों में मत गिरा करो, फड्डे मत गिरा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू थिंक द मोमेंट यू एंटर्ड व्हाटएवर इज हैपनिंग, तुम लोग तो यू बीन विद मी ऑल सिंस द डे वन, मेरा बड़ी है ये मेरा भाई, तो हुआ ये कि देर वॉज स्टफ हैपनिंग, छोटी मोटी चीजें, बट वी डिडंट गिव इट दैट मच इम्पोर्टेंस। सडनली ओवर अ फ्यू डेज ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर थिंग्स जस्ट एस्केलेटेड और वो बाहर आ गए। ठीक है, अब सिचुएशन ऐसा है कि जब हम डे वन से, या डे वन तो छोड़ दो, पिछले कुछ टाइम से जब से वो गौरव मूस वाला सिचुएशन हुआ, जब से आरुषि आई, उस टाइम से मेरा और केविन का प्रॉब्लम शुरू हो गया। उसके बाद अब ये आने के बाद ये बीच में आ गया, अब मेरे और केविन के या सबके और केविन के जो फाइट के एंगल के बीच में मेरा सौंदर्स का एंगल आ गया। दैट will not change what we were actually planning to do in the game. Yes. मेरी गेम इफेक्ट नहीं होने दूंगा मैं विद द सिचुएशन दैट्स हैपनिंग ऑन द साइड। एंड ये सही है जो तुम बोल रहे हो, सही है, बताऊं क्यों? क्योंकि अगर हल्का सा भी यू विल चेंज नो, नेक्स्ट टारगेट विल बी यू, एग्जैक्टली एवरीबॉडी। वो तो मेरे रिगार्डलेस ऑफ दैट अपन सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरे एक वोट के साथ करने से फर्क नहीं पड़ेगा, आई वोंट वोट अगेंस्ट यू ऑब्वियसली, लेकिन अगर मैं वेस्ट भी करूंगा ना तो कुछ फायदा नहीं होगा, बिकॉज़ यू विल गेट द मोस्ट वोट्स फ्रॉम देम।